हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ मैथ्स का चैप्टर वन इंटीजर्स और उसका क्वेश्चन वन स्टार्ट करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताऊंगा और फिर इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग नंबर लाइन्स शोज द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो इसमें ये यहाँ पे नंबर लाइन दी हुई है और इस नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ से लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर ये, और इनके हमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इसमें जो मार्क किए गए हैं उनके हमें टेम्परेचर बताने हैं उन प्लेसेस के। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। देखिए, जीरो से इस तरफ है तो नेगेटिव में है, तो ये माइनस फाइव है, माइनस सिक्स, माइनस सेवन और ये माइनस एट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस एट डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस एट डिग्री है। ठीक है, ये हो गया माइनस एट डिग्री। श्रीनगर का अगर हम देखें तो इसमें वन टू माइनस में है, जीरो के इस तरफ माइनस होता है तो माइनस टू, तो माइनस टू डिग्री श्रीनगर का कितना है, माइनस टू डिग्री। ठीक है, माइनस टू डिग्री आ गया। शिमला का हम देखें तो ये प्लस में आ गया, तो ये फाइव है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 डिग्री। ऊटी का देखिए, ये 10 के बाद 11, 12, 13, 14 या तो यहाँ से गिन लीजिए या 15 में से एक लेस कर दीजिए तो ही 14 आ जाएगा। तो ये 14 डिग्री हो गया, ऊटी का कितना हो गया 14 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 14 डिग्री ऊटी का हो गया। बेंगलोर का देखिए 20 है, फिर 21, 22, तो ये 22 है तो 22 डिग्री बेंगलोर का है। तो इस तरह से आप इस नंबर लाइन पे ये सारे टेम्परेचर मार्क कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं हम। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमोंग द अबव। तो अब इसमें हॉटेस्ट प्लेस क्या है, 22 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे 22 डिग्री हॉटेस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे 22 डिग्री है। और कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, लाहौल स्पीति, जो कि माइनस एट है। तो डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए हम माइनस लगाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस एट लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस माइनस एट लिखेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हॉटेस्ट वाला क्या था, 22 डिग्री था और माइनस, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस का माइनस, और लाहौल स्पीति का सबसे कोल्डेस्ट है माइनस एट, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 22 और प्लस 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर में देखिए, अब देखिए श्रीनगर और लाहौल स्पीति, तो श्रीनगर का कितना है माइनस टू, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम श्रीनगर का है माइनस टू। ठीक है, माइनस टू। और लाहौल स्पीति का कितना है, माइनस एट है, लेकिन हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए, डिफरेंस के लिए हम माइनस करेंगे और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको टेम्परेचर को, जो कि माइनस एट है। तो ये भी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस टू, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस एट, तो दैट इज 6 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 6 डिग्री। ठीक है, अब इसका डी देखें हम, क्वेश्चन डी। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब वो कह रहा है कि अगर हम इनका एक साथ लेते हैं टुगेदर, है ना, और फिर वो कह रहा है लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला के टेम्परेचर से लेस है, तो हम सबसे पहले इसका श्रीनगर और शिमला का एक साथ में लेते हैं, टेकन टुगेदर कह रहा है। तो एक साथ अगर हम लेंगे तो शिमला और शिमला का कितना है 5 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 डिग्री। और यहाँ पर श्रीनगर का कितना है माइनस टू है, कितना है माइनस टू है, तो जब इनका एक साथ में हम लेंगे टेम्परेचर तो ये कितना आएगा 3 डिग्री आएगा, क्योंकि इसने डिफरेंस निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसमें 3 डिग्री आया, तो 3 डिग्री आया। अब वो कह रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो अब हमें बताना है कि क्या ये लेस देन टेम्परेचर है। तो शिमला का टेम्परेचर कितना है, शिमला का टेम्परेचर है हमारा 5। शिमला का टेम्परेचर कितना है 5 है, तो हम कह सकते हैं कि 3 इज लेस देन 5, 3 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री। और यही उसने पूछा है, यही तो उसने पूछा है कि इन दोनों का टुगेदर लें और अकेला शिमला का कितना है, तो इसमें क्या है, तो ये लेस ही है, तो हम लिख देंगे यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। अब दूसरा उसने पूछा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर।
तो अब हमें श्रीनगर के साथ तुलना करनी है। तो अब देखिए ये टुगेदर जो लिया है ये तो हमारा निकाल ही लिया हमने 3 डिग्री। अब वो कह रहा है कि इज इट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? -2 है। तो -2 को इससे कंपेयर करोगे तो क्या होगा? -2, देखो यहाँ पे 3 है और 3 को -2 से जब करेंगे तो ये क्या है जी? ग्रेटर देन हो गया, यानी इज नॉट लेस देन। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं। सो इसका हम आंसर क्या देंगे कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो इस तरह से ये देखा हमने, ये संक्षेप में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराए हैं। अब इसका डिटेल, इसको लिखना कैसे है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, कॉपी वगैरह निकाल लें और उसको नोट डाउन कर लें क्वेश्चनों को अगर करना चाहें तो। और ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम कि जब भी हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा हमें, और ये हमने बता ही दिया है तो अब आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डाटा द टेम्परेचर ऑफ दी सिटीज आर एज फॉलोज। लाहौल स्पीति का जो मैंने बताया था -8 डिग्री, ऐसे ही श्रीनगर का लिखेंगे -2 डिग्री, शिमला का 5 डिग्री, ऊटी का 14 डिग्री सेल्सियस और बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इतना लिखना है आपको। और उसके बाद में अब बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। तो हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट का हमने बताया था आपको कैसे करना था। द टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस दैट इज बेंगलोर इज 22 डिग्री सेल्सियस, जी हम निकाल चुके थे। और टेम्परेचर एट द कोल्डेस्ट प्लेस दैट इज लाहौल स्पीति कितना है? इज इक्वल टू -8 डिग्री। सो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम? 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 मतलब दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो देयर फोर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस इज 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा हो जाएगा। थर्ड में क्या करना है हमें? व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस निकालना था। तो लाहौल स्पीति का हमने टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति हमने निकाला था ये -8 डिग्री, टेम्परेचर एट श्रीनगर -2 डिग्री निकाला था। तो अब टेम्परेचर डिफरेंस निकाला है तो -2 लिखेंगे पहले, -2 डिग्री, बस ये ध्यान रखना है -2 डिग्री यहाँ पहले लिखेंगे, फिर -8 डिग्री। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा? इसको एक्चुअली इसको हमने उधर भी बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ, -2 + 8 हो जाएगा। तो प्लस के 8 में से जब माइनस का 2 जाएगा तो दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। देयर फोर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज 6 डिग्री। तो ये आपका सी पार्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको डी पार्ट करना है। देखिए डी पार्ट में क्या था कि हमें ये बताना था कि पहले तो श्रीनगर और शिमला का टेकन टुगेदर यानी एक साथ लेना था और उसको डिफरेंस बताना था, उसका बताना था, कंपेयर करना था उसको शिमला के टेम्परेचर से। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, जो कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया था ऑलरेडी, टेम्परेचर ऑफ शिमला ये है। अब टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर तो क्या होगा? -2 डिग्री और +5 डिग्री, सो दैट इज 3 डिग्री। ये तो 3 डिग्री, एज वी नो दैट 3 इज लेसर देन 5, सो 3 डिग्री इज सेल्सियस इज लेसर देन 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिग्री सेल्सियस इज लेसर देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हम कह सकते हैं यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, अब दूसरा उसने पूछा था कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो अब हमने टेकन टुगेदर हमने पहले ही निकाल लिया था, यहाँ पे जो एक साथ में लिया था वो 3 डिग्री था। ठीक है, तो 3 डिग्री और यहाँ पे हम इसको करना है कंपेयर श्रीनगर के साथ, श्रीनगर के साथ करना है। तो श्रीनगर में हमारा -2 था, ये तो -2 था, तो -2 क्या है? 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ग्रेटर देन है 3 डिग्री, इसका मतलब ये क्या बोलोगे? इज नॉट लेस देन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हेंस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज नॉट लेस देन। ठीक है, इज नॉट लेस देन, क्योंकि जी ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का वो हम लिख सकते हैं इज नॉट लेस देन। तो इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।